नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कट ऑफ मुद्दे पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में मामला लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 2 अगस्त 2019 को होने वाली है। इसी के बीच एक नई खबर ये आ रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक स्पेशल अपील दाखिल की गई है उस 29 मार्च 2019 के फैसले के विरुद्ध, जिसमें माननीय एकल खंडपीठ ने कट ऑफ मुद्दे को 40 और 45 के फेवर में अपना फैसला सुनाया था। दोस्तों स्क्रीन पर वो आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस केस को जो फाइल किया गया था वह 15 जुलाई 2019 को किया गया था और 16 को इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और इस केस की पहली जो सुनवाई है वह 18 जुलाई 2019 को है। दोस्तों यहाँ पर आप पिटिशनर देख सकते हैं, स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, और जो रिस्पॉन्डेंट बनाए गए हैं रीना सिंह और 74 अदर्स बनाए गए हैं। और इसका आप कैटेगरी देख सकते हैं, स्पेशल अपील है, और सब कैटेगरी देख सकते हैं अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन रीट पिटीशन 7। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट डिस्पोजल डेट 18 जुलाई 2019 को ये केस फिर से सुना जाएगा, मींस पहली हियरिंग है 18 जुलाई को। दोस्तों 18 जुलाई को जो कुछ भी नया अपडेट होता है मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के सामने प्रस्तुत होकर के इसको शेयर करने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।